गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और भाई मैं आ चुका हूँ अपनी छत पे, टाइम है लगभग 5:30। और भाई आज मैं कहीं गया हुआ था तो काफ़ी लेट हो गया, कबूतर भी अभी अभी खोले हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं मेरे यहाँ जितने भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने उनको चूगा देना बंद कर दिया है, उनको हैंड फीडिंग कराऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दिया जाए, जिससे कि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और क्या फार्मूला है, क्या मैं उनको देता हूँ, ये सब भी बताऊंगा। तो भाई आज मैं थोड़ा जल्दी में था, आज मैंने बिस्कुट से ही फीड तैयार किया है। आप किसी भी कंपनी का बिस्कुट ले सकते हो। आप वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आपके भी काम आ सकती है। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो भाई और बेल आइकन भी दबा दो। चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है भाई फीड और बिस्किट से तैयार किया गया है। बस इतना थिक रहना चाहिए, ज़्यादा पतला ना हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, जिससे कि खाने की भी और पानी की भी इसी से पूर्ति होती रहे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा गाढ़ा दोगे तो भाई बच्चों के पोट में जम सकता है, और भाई ज़्यादा पतला दोगे तो भूखे रह जाएंगे और बीट भी पतली करेंगे। तो भाई इसको सिर्फ इतना रखना है बस। इसमें भाई 2 10 5-5 रुपए वाले 2 बिस्कुट के पैकेट डाले हैं। बिस्कुट के पैकेट का नाम नहीं बताऊंगा, आप कोई भी बिस्कुट ले सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो प्रमोशनल तो है नहीं भाई, ठीक है। इसलिए मैं किसी कंपनी के बिस्कुट का नाम नहीं लूँगा, आप जो चाहो नॉर्मल बिस्कुट ले सकते हो। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो भाई तब इनको खिलाते हैं। और उससे पहले हम सारे बच्चों को पकड़ेंगे और एक पेटी में डालेंगे, क्योंकि बार बार बच्चों को पकड़ना और उनके पीछे दौड़ना तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, लंबी वीडियो हो जाएगी। सबसे पहले बच्चों को पेटी में डालते हैं और उसके बाद एक एक करके सभी बच्चों को इंजेक्शन से दे देंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने सभी बच्चों को इस पेटी में डाल दिया है, क्योंकि एक एक बच्चा पकड़ो और फिर उसको इंजेक्शन से खिलाओ तो वो ठीक नहीं था। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को इसमें डाल दिया, 1 by 1 एक एक बच्चे को खिलाएंगे भाई, ठीक है। वीडियो में बने रहना भाई। तो भाई ये 10 ml की सिरिंज है और इसको भरते रहो और बच्चे को पिलाते रहो, बड़ा ही इजी है, अब आप देख लेना। और भाई एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे के पोट में कितना जाएगा वो आप पे डिपेंड करता है या बच्चे पे डिपेंड करता है, आप उसको कितना पिलाना चाह रहे हैं। तो आप उसको हाथ लगा के देख सकते हैं, क्योंकि मैं बता दूँ भाई 10 ml पिलाना है तो वो भी ठीक नहीं होगा। सबसे पहले बड़े वाला बच्चा ले लेते हैं और भाई इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे कर दिया। भाई इस बच्चे का यहाँ पे आप हाथ लगा के देख सकते हैं, पोर्ट फुल हो गया देखो पूरा। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। बच्चा पूरा पेट भर गया भाई उसका, इसलिए मैंने छोड़ दिया। 1 by 1 फटाफट से सबको पिला देते हैं। ये भाई मेरा सबसे फेवरेट बच्चा है और देखो कैसे मेरे से इतना ही लगाव हो गया ना इसको, मेरे से बहुत लगाव हो गया इसको। और ये मैं इसको दे रहा हूँ देखो, भाई मेरा बहुत ही फेवरेट बच्चा है। सब भाग जाते हैं लेकिन ये नहीं भागता। और मैं सोच रहा हूँ अपनी आने वाली वीडियो में इसे अपने साथ बाइक वगैरह पे ट्रेन करूँ। तो भाई मेरे कबूतरों का सभी का दाना पानी हो गया है, सब मस्ती मारते घूम रहे हैं। और भाई आपने देखा मैंने बच्चों को भी फीड करा दिया। तो भाई अगर आपके ब्रीडिंग केज में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके माँ बाप ने उन्हें चूगा देना बंद कर दिया, तो भाई आप इसी तरह से
आसान तरीके से उनको फीड करा सकते हो। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपने कबूतरों का भी, बाय बाय।